हेलो दोस्तों, स्ट्रीट गाय में आपका वापस एक बार स्वागत है। कुछ पॉइंट्स रह गए थे उस वीडियो में वापस कवर करने, तो बाद में याद आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्काल्प की। और अगर आपके बाल सर पे कम है तो आपको मतलब कैसा लुक रखना है, आपका बियर्ड कैसा रखना है, बाद में कितने छोटे हेयर्स रखने। अगर आपका पूरा ये पोर्शन गायब है तो साइड के हेयर्स कैसे रखने, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो देखो, कंसेप्ट सिंपल है। एक बंजर ज़मीन है, ठीक है, बंजर ज़मीन। तो उस ज़मीन पे अगर पानी नहीं आएगा, ठीक है, पानी नहीं डालोगे तो उसमें दरारें पड़ती है, राइट, दरारें पड़ती है। तो दरारों में आप मतलब उसमें अगर कोई प्लांट रहता है तो इजीली निकल सकता है, राइट, इजीली, क्योंकि गैप बढ़ गया है। ठीक है, वही कंसेप्ट अपने स्काल्प के ऊपर भी रहता है। आप अपने स्काल्प को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है, मॉइस्चराइज्ड, मतलब थोड़ा सा ऑयली रखो। मतलब ध्यान रहे कि आप दिन में ऑयल नहीं लगा रहे हो, क्योंकि दिन में अगर ऑयल लगाओगे तो धूल मिट्टी चिपक जाएगी और वो आपको आपके हेयर्स को हार्म करेगी। ठीक है, आपका स्काल्प बिगड़ सकता है। तो बाहर जाते समय आप ऑयल निकाल सकते हैं सर का। और रात को सोते समय याद रखें कि आपका सर पूरा चिपचिपा होना चाहिए, ठीक है, चिपचिपा होना चाहिए, ताकि आपके रूट्स और मजबूत हो और आपके बाल ठीक बने। ठीक है, ठीक है, ये बात हुई ऑयलिंग की। चम्पी ज़्यादा हार्श नहीं करनी है, एकदम नॉर्मली, ये जस्ट है फिंगर, ताकि यहाँ पे ब्लड फ्लो बनना चाहिए। और मैंने ये चीज़ तो दिखाई थी जो मैंने दादर से खरीदी थी, सिर्फ 30 रुपये में। ठीक है, ये बात है। बाद में दूसरी बात है, ये है कि अगर आपके सर के ऊपर बाल कम है या फिर डेंसिटी कम है बालों की, तो आपको कैसा लुक रखना है। अभी मैंने रखा है ये बियर्ड रखा है छोटा सा, अभी फंकी भी लगता है, थोड़ा अपना एज यंग लगते हैं इन शॉर्ट। हाँ, तो ये है। अगर समझो कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अपन 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग के लिए खाना बना है। ठीक है, 10 लोगों में 4 लोग छोटे लोग हैं और 6 लोग बड़े लोग हैं। ठीक है, तो खाना किनको ज़्यादा लगेगा, बड़े लोगों को, राइट, खाना ज़्यादा बड़े लोग खाएंगे। वही कंसेप्ट रहता है कि अगर आप बियर्ड ग्रो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप आपके सर पे बाल कम है और बियर्ड ग्रो कर रहे हो तो आपके मतलब फेस के सॉरी आपके जो भी सर में जो भी प्रोटीन्स या फिर ब्लड फ्लो है वो आपके बियर्ड को ज़्यादा मतलब सप्लाई होगा और प्रोटीन्स का भी ज़्यादा सप्लाई आपके बियर्ड को होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है, वो घने बाल है, तो वो पूरा प्रोटीन खींच लेंगे। कंसेप्ट समझ रहे हो? तो यही बात है आपके बालों के बारे में। अगर आप बियर्ड ग्रो कर रहे हो तो आपकी सर के बाल बहुत धीरे धीरे ग्रो हो गए। ठीक है, क्योंकि ये सब बाल, ये जो बड़े लोग हैं, ये सब खा लेंगे। ठीक है, और बच्चों को थोड़ा ही मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। तो रखनी है आपको बियर्ड, एकदम शॉर्ट बियर्ड रखनी है। ठीक है, और एक बात रही, अगर आपके सर पे बाल कम है तो याद रखिए कि हम लेते हैं नमकीन का कंसेप्ट। ठीक है, नमकीन में कैसा रहता है, अगर नमकीन में आप लड्डू रख दोगे, ठीक है, आपका ध्यान लड्डू के ऊपर पहले जाएगा, उसके बाद में नमकीन के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका कलर डिफरेंट है और वो कुछ बड़ा चीज़ अपने को नमकीन में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यही बात ध्यान में रखें कि अगर आपका पूरा ये पोर्शन गया हुआ है, ठीक है, ये पोर्शन गया हुआ है, तो आपको ये भी बाल, साइड के बाल, जो बॉर्डर है आपका, वो बारीक रखना है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा नज़र ना जाए। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ। बाद में यार आप लोग रिस्पांस तो बहुत मस्त मिल रहा है, लोग देख रहे हैं वीडियो। आज भी मैंने अभी दोपहर में वीडियो डाला था, 50 व्यूज़ हो चुके हैं। और लोगों की क्वेरीज़ भी थी, वो मैंने जो मेरे कंसेप्ट है, मैंने किसी से पूछा बीछा नहीं है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, बाद में सोने का तो कंसेप्ट बता दिया आपको, और कौन सा कंसेप्ट बचा है? हाँ, वही बियर्ड वगैरह ज़्यादा ग्रो मत करो। बियर्ड ग्रो करोगे तो पूरा प्रोटीन वगैरह है वो बियर्ड खा जाएगी, आपको प्रोटीन देना है ये पोर्शन में। ठीक है, ये पोर्शन में। ठीक है, और बस। और अगर कुछ नई अपडेट याद आती है तो मैं वापस वीडियो डालूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। और खाने में क्या है ना, थोड़ा सा प्रोटीन युक्त खाना लो। प्रोटीन युक्त यानी कैसा कि ज़्यादा हो सके तो, ज़रूरी नहीं है, हो सके तो अवॉइड करो बाहर की चीज़ें। ठीक है, और बस ब्लड बढ़ाओ थोड़ा सा, और मॉर्निंग में अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठोगे तो वो भी फ़ायदा है, ताकि फ्रेश एयर आपके बालों में लगेगी, आप फ्रेश एयर आपके अंदर बॉडी में जाएगी तो ब्लड भी आपका मतलब शुद्ध होगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट है छोटे छोटे, बाद में अगर कुछ याद आता है फिर से डाल पाओगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, गुड नाइट।